अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा बीसीए सेमेस्टर 1 से 5 तक में सभी प्रोमोटेड छात्र को सेमेस्टर 6 में फॉर्म भरने की मांग विश्वविद्यालय में अनियमितता, भ्रष्टाचार, छात्र विरोधी नीतियों एवं विश्वविद्यालय में लगभग 1 वर्ष से कुलपति नहीं रहने के कारण छात्रों के 5000 डिग्रियां कुलपति के हस्ताक्षर के बिना लंबित हैं एवं छात्र हितों व विभिन्न समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय में धरना प्रदर्शन किया गया। विभाग सह संयोजक कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय समस्याओं से जकड़ा हुआ है। यहाँ के अधिकारी, पदाधिकारी सीनेट सिंडिकेट कराकर सिर्फ और सिर्फ अपना जेब भरने में लगे हुए हैं। आज बीसीए की समस्या को लेकर जब विश्वविद्यालय के पदाधिकारियों के पास हम सभी का जाना हुआ तो विश्वविद्यालय के पदाधिकारी विश्वविद्यालय से लापता है। विद्यार्थी परिषद मांग करती है कि सभी प्रकार के प्रोमोटेड छात्र को फॉर्म भरने की अनुमति दी जाए। आज विश्वविद्यालय में ना प्रो बीसी है, ना रजिस्ट्रार है, ना बीसी है। बीसी तो 6 महीने से नहीं है। आज जब हम लोग विश्वविद्यालय में सेमेस्टर 6 में फॉर्म भरने वाले बीसीए के छात्रों के साथ जब प्रो बीसी के चैम्बर में गए तो वो नहीं थे। और हम लोग का मांग है कि सेमेस्टर 1 से लेकर 5 तक के छात्रों का, बीसीए के छात्रों का फॉर्म भरने दिया जाए। जो सेमेस्टर 6 में कोरोना काल के कारण उनका जो है सेशन लेट हो रहा है। भागलपुर जिला के मधुसूदनपुर थाना के भदौरिया पंचायत के बिहारीपुर गांव में शुक्रवार की देर रात आपसी विवाद में 2 पक्षों में जमकर गोलियां चली, जिसमें 1 पक्ष के कैलाश कुमार को कमर के नीचे गोली लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना की सूचना मधुसूदनपुर ओपी को मिलने पर आनंद फानल में घटनास्थल पर पहुंचकर घायल को बेहतर इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय में लाया गया। वही घटना किस कारण हुई इस पर ग्रामीण कुछ भी बोलने से परहेज कर रहे हैं। मोदी सरकार के 8 वर्ष पूरे होने पर बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने एक निजी होटल में प्रेस वार्ता कर कहा कि मोदी सरकार ने तुष्टीकरण की राजनीति को खत्म कर दिया है। साल 2022 राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाला साल बन गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में एथेनॉल ने रोजगार का द्वार खोल दिया है। नौगछिया के साहू पर्वत्ता में इसकी फैक्ट्री लग रही है। पूरे राज्य में 17 प्लांट बन रहे हैं। भागलपुर में बाईपास, 4 लेन, NH 106, बीहपुर से बीरपुर तक जो कार्य होने वाला है उसका क्रेडिट भले ही कोई ले, पर कार्य किसने किया सभी जानते हैं। तुष्टीकरण खत्म करने के हैं। ये 8 साल राष्ट्रवाद की भावना को बढ़ाने वाले साल हैं। ये किसानों और गरीब की आय बढ़ाने वाले साल। अभी चले जाइए मंडी में, जाके पता कीजिए कि मक्का का रेट क्या था, आज क्या है। एक इथेनॉल प्लांट, एक इथेनॉल पॉलिसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाई। जिस दिन प्लांट शुरू हुआ, कई लोग ट्विटर पर लिखते हैं भागलपुर में क्या हुआ, साहू पर्वत्ता भागलपुर में नहीं है क्या। पीरपैंती प्रखंड मुख्यालय स्थित ट्राइसम भवन सभागार में शुक्रवार को खरीफ महाअभियान 2022 प्रखंड स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका संचालन प्रखंड कृषि पदाधिकारी उमा शंकर चौधरी ने किया। इस दौरान सबौर कृषि विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर संदीप कुमार व डॉक्टर सौरभ कुमार चौधरी सहित क्षेत्र के किसान व विभिन्न दलों के राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम खर्च में बेहतर खेती करने सहित खरीफ फसल उत्पादन में आने वाली समस्याओं का वैज्ञानिक विधि के द्वारा समाधान करने की विस्तार पूर्वक जानकारी दी। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा खरीफ महाअभियान 2022 के अंतर्गत प्रखंड स्तर पर किसानों के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें किसान भाइयों को खरीफ मौसम में सरकार के द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। और कृषि के साथ साथ पशुपालन, अन्य जो लाइन डिपार्टमेंट है उनके भी प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के वैज्ञानिकगण के द्वारा तकनीकी जानकारी इसमें प्रदान की जा रही है। भागलपुर के तिलकामाझी चौक स्थित रिमझिम होटल को कोर्ट के आदेश के बाद सील कर दिया गया। पिछले कई वर्षों से होटल के मालिक और नगर निगम के बीच कोर्ट में मामला चल रहा था, जिसमें होटल के मालिक द्वारा यह जगह अपनी बताई जा रही थी। वहीं नगर निगम के द्वारा इस भूखंड को नगर निगम की संपत्ति बताई जा रही थी, जिस पर कोर्ट ने फैसला नगर निगम के पक्ष में दिया और होटल को सील करने का आदेश नगर निगम को दिया गया, जिस पर आज नगर निगम के अधिकारियों के द्वारा मजिस्ट्रेट के सामने होटल को सील कर दिया गया। वहीं अब इस होटल को ध्वस्त करने की प्रक्रिया जल्द की जाएगी। भागलपुर द्वारा विविध उत्पाद बाद संख्या 284/2020/21 में पारित आदेश के आलोक में इसको सील किया जा रहा है।
पुनीत सागर अभियान के तहत विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर 23 बिहार बटालियन एनसीसी भागलपुर के कैडेटों ने जिला स्कूल भागलपुर के प्रसाल में पेंटिंग प्रतियोगिता एवं स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया, जिसमें भागलपुर के कई स्कूल व कॉलेज के कैडेट्स उपस्थित थे। मीडिया से बात करते हुए एनसीसी 23 बिहार बटालियन के अधिकारियों ने कहा, इस कार्यक्रम को कराने का मुख्य उद्देश्य पूरे भारतवर्ष में विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर लोग कसम खाएं कि हम अपने आसपास पर्यावरण को स्वच्छ रखेंगे, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर कल सैंडिस कंपाउंड के ग्राउंड से चलकर तिलका मांझी होते हुए मनाली चौक तक सफाई अभियान भी चलाई जाएगी। इस कार्यक्रम में एनसीसी कैडेट व एनसीसी के कई अधिकारी मौजूद थे। सागर अभियान के तहत आज 23 बिहार बटालियन भागलपुर के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को जो है उसके उपलक्ष्य में हम लोग ड्राइंग, पर्यावरण पर पेंटिंग, स्लोगन राइटिंग, जो हम लोगों को धरती को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जो करना चाहिए उस पर एक कंपटीशन कराए हैं, ताकि ये एक सुखद संदेश बच्चों में और बच्चों के जरिए समाज में जाए कि हम किस प्रकार से आपस आसपास में गंदगी ना फेंचें, कचरा ना फेंकें। पर्यावरण के तौर पर जो कहते हैं सबकी पौधे लगाएं, सिर्फ पौधे लगाना ही काम नहीं है, पौधे भी लगाएं और उसको सुरक्षित भी रखें, नियमित रूप से पानी दें। आप देखिए कि अभी ही धरती पर कहीं पर का मौसम आपको कुछ लगेगा, कहीं का मौसम कुछ और लगेगा, तो क्यों ना हम भी अपने पर्यावरण को जहाँ पर रहते हों उसको बढ़िया करें।